another type of structural isomerism is hydration isomerism, or we call this as hydrate isomerism. What is hydration isomerism? Suppose I've got these compounds. इन तीन कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिक्स वाटर, पांच और एक छह, चार दो छह, तीन क्लोरीन, दो और एक तीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। दे डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें छह वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड है, इसमें पांच इनसाइड है, एक आउटसाइड, इसमें चार इनसाइड, दो आउटसाइड। They differ in the distribution of water molecules inside and outside the coordination sphere. We call such isomers as hydration isomers. Hexa, equa, cobalt, third, chloride. Penta, equa, chlorido, cobalt, third, chloride, monohydrate, because it's water of crystallization. Water outside coordination sphere is water of crystallization. It's not ligand. Similarly, it will be named as tetraequa. Dichlorido. Cobalt, third, chloride, dihydrate. Now, these are the three compounds having same molecular formula but differ in the distribution of water molecules inside and outside coordination sphere. They will be having different properties. For example, while as compound number one will not undergo dehydration when passed through sulfuric acid, because all the water molecules are ligands, therefore it will not lose any water molecule in sulfuric acid. Second compound will lose one water molecule, the third will lose two water molecules when passed through sulfuric acid. So dehydration is a chemical property. It's a property, therefore they differ in the properties. Similarly, in this compound, three chlorine ions are ionizable. Second compound, isme do hi chlorine outside coordination sphere, isme ek hi. All of these will form silver chloride precipitate when passed through silver nitrate solution. ये तीनों कंपाउंड्स सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाएंगे जब आप इनको पास करोगे थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, जब आप इस कंपाउंड को पास करोगे इस सॉल्यूशन में से, तो वाटर इस कंपाउंड को आयोनाइज करेगा इनटू कॉम्प्लेक्स आयन एंड क्लोराइड आयन। दैट क्लोराइड आयन विल रिएक्ट विद सिल्वर फॉर्मिंग सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। ये भी सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये भी बनाएगा, मगर प्रेसिपिटेट की क्वांटिटी जो होगी वो पहले कंपाउंड में सबसे ज्यादा होगी। शाले से वन मोल ऑफ दिस कंपाउंड विल फॉर थ्री मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सो दीज आर द हाइड्रेशन आइसोमर्स। देन आई हैव गॉट द थर्ड वन, linkage isomers. Linkage isomers, ये जो linkage isomerism है ये वो compounds दिखाते हैं जिनमें ambidient ligand होता है, ambidient।
एम्बिएंट लाइट। मैं एग्जांपल ये देता हूं, दूसरा मैं ये देखता हूं, इन दो कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अलबत्ता इसमें NO2 कोबाल्ट के साथ लिंक्ड है थ्रू नाइट्रोजन, इसमें NO2 कोबाल्ट के साथ लिंक्ड है थ्रू ऑक्सीजन, इसका नाम आएगा डाई नाइट्रीटो N। NO2 कॉल्ड इज नाइट्रीटो, मगर नाइट्रीटो N बिकॉज N से कोबाल्ट के साथ अटैच, डाई नाइट्रीटो N कोबाल्ट 4 क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 4 निकलेगा, लेकिन इसका नाम है डाई नाइट रीटो ओ, ओ से लिंक्ड है थ्रू विद कोबाल्ट, कोबाल्ट 4 क्लोराइड। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in the nature of donor atom linked with the central ion, they are called as linkage isomers. So linkage isomers वो compounds दिखाते हैं जिनमें ambivalent ligand होता है। इसके बाद जो दूसरा टाइप है आइसोमरिज्म का, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हैं, स्पाशियल आइसोमर्स भी कहते हैं, स्पाशियल आइसोमर्स। व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? कंपाउंड्स विद सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर्स, बट द अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स इन स्पेस इज डिफरेंट। फॉर्मूला सेम होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर्स भी सेम होंगे, मगर अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स इन स्पेस डिफरेंट होगा, दे विल बी कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स याद रखो, ये समझने से पहले देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लाइगेंड्स कनेक्टेड विद सेंट्रल लाइन। कितने मोनोडेंटेट लाइगेंड्स कनेक्टेड है सेंट्रल लाइन के साथ, वो उस सेंट्रल लाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस कंपाउंड में 4 अमोनिया कोबाल्ट के साथ अटैच है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लाइगेंड्स कनेक्टेड विद सेंट्रल लाइन। जितने मोनोडेंटेट लाइगेंड्स कनेक्टेड होंगे सेंट्रल लाइन के साथ, वो सेंट्रल लाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। नाउ, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा डेफिनेशन भी है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट बिटवीन सेंट्रल लाइन एंड लाइगेंड। सेंट्रल लाइन और लाइगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? मसलन यू नो दैट इथिलीन डायमाइन, EN इज सिंबल फॉर इथिलीन डायमाइन, और इथिलीन डायमाइन जो है ये बाइडेंटेट लाइगेंड है, ये बाइडेंटेट लाइगेंड है। बाइडेंटेट लाइगेंड अटैच होता है मेटल आयन के साथ विद 2 डोनर एटम्स। इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा डेफिनेशन, कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट होंगे बिटवीन लाइगेंड एंड मेटल मेटल आयन। जितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स मेटल आयन और लाइगेंड के बीच में होंगे, वही उस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। Now remember it, coordination number of compound can be 2, 3, 4, 5, 6 and so on,
लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, मगर मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम उन कंपाउंड्स का डिस्कस करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, इट हैज टू टाइप्स, इट कैन बी स्क्वायर प्लैनर इन शेप, इट कैन बी टेट्राहेड्रल। लुक है, ये जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है, स्टीरियो आइसोमरिज्म हैज टू टाइप्स। नंबर वन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म हैज टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, शेप स्क्वायर प्लानर होगा, सच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। लेकिन अगर शेप टेट्राहेड्रल होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल। आगे चलता हूं, एग्जांपल से ये समझ आएंगे कि क्यों नहीं दिखाएगा वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, कल हम डिस्कस करेंगे बाकी।